नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल राज टीचर्स हेल्पलाइन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान के सभी कर्मचारियों को कर्मयोगी पोर्टल पर कर्मयोगी मिशन के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में पाबंद किया है। तो अगर अभी तक आपने कर्मयोगी मिशन 2024 के तहत कर्मयोगी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस वीडियो की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कर्मयोगी पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कर्मयोगी मिशन 2024 में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में साथियों आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में आकर एक गूगल का सर्च बॉक्स खोल लेना है और यहाँ पर लिखना आई गॉट कर्मयोगी और इसे ओपन कर लेना है। फर्स्ट वेबसाइट जो दिखेगी इसे ओपन करना है। अब आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से आपको राइट साइड में दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक रजिस्टर का और दूसरा लॉगिन का। तो रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा, अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया है तो आप हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको यहाँ पर आकर लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने दी थी, गवर्नमेंट ईमेल आईडी डालनी है। तो राजस्थान के कर्मचारियों के केस में यहाँ जो ईमेल आईडी होगी वो उसका एम्प्लॉई आईडी और @rajasthan.in होगा। और पासवर्ड जो आपने सेट कर रखा है वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। यहाँ हमने अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। साथियों, ईमेल आईडी डालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेट आपके एम्प्लॉय आईडी में है उसे आप स्मॉल लेटर्स में ही डालें। इसके बाद में आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। साथियों, जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपना नाम दिखेगा, यहाँ पर आपकी फ़ोटो आएगी, आप इसे बाद में लगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल कितने परसेंट कंप्लीट है वो शो हो रहा होगा। मेरी यहाँ पर 18% शो हो रही है। यहाँ पर आपके कर्मा पॉइंट्स शो हो रहे होंगे जो कि मेरे केस में 5 है। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर जो कोर्सेज हैं या डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही होंगी। तो अब आपको आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो यहाँ प्रोफाइल अपडेट करने के लिए नीचे मैसेज शो हो रहा है, अपडेट योर प्रोफाइल एंड गेट इट वेरीफाइड और अपडेट नाउ का बटन शो हो रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करके हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप अपने नाम को शॉर्ट में देख रहे होंगे और नीचे जैसे आप इस पर माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा प्रोफाइल। यहाँ से भी आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। खैर, हम यहाँ पर अपडेट नाउ पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपकी फ़ोटो आएगी और यहाँ कैमरे का बटन दिया हुआ है, इसकी मदद से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर पाएंगे। फिलहाल हम इसे पेंडिंग छोड़ रहे हैं। प्रोफाइल फ़ोटो के बाद में अगला ऑप्शन है फुल नेम का। यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम डालना होगा, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी DDMM YYY के फॉर्मेट में। इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा, आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर रजिस्टर कर रखे हैं वेरीफाइड है वो डालने होंगे। इसके बाद आपका प्राइमरी ईमेल आईडी डालना होगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट प्राइमरी ईमेल पर क्लिक करके भी आप इसे अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका एम्प्लॉई ग्रुप सेलेक्ट करना होगा जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के समय सेलेक्ट किया था, ये वापस से हमें फिलअप करने होंगे। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना होगा, इसके बाद नीचे आपका पिन कोड सेलेक्ट करना होगा। तो आइए हम इसे भरकर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। नाम के बाद डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी, इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आपकी जो जेंडर उस पर क्लिक करें, हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना होगा।
साथियों यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के समय दिया है, वो नंबर डाले तो ज़्यादा बेटर होगा। मोबाइल नंबर के बाद अगला ऑप्शन है आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी का, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपडेट प्राइमरी ईमेल पर क्लिक करके उसे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के समय दी थी वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, इसलिए आप इसे अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे पेंडिंग छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको आपका एम्प्लॉयमेंट का ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने ग्रुप दिया होगा वो आपको यहाँ पर भरना होगा, मैंने ए ग्रुप सेलेक्ट किया था। इसके बाद डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी होगी, तो डेजिग्नेशन में यहाँ पर बहुत सारी डेजिग्नेशन शो होगी, आप अपनी डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लें। डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा आप सर्च करके इसको देख लें। साथियों यहाँ पर आपकी डेजिग्नेशन अगर आपको यहाँ पर शो नहीं होती है तो आप रिक्वेस्ट फॉर डेजिग्नेशन पर क्लिक करें। उसके बाद में यहाँ पर मैसेज आ रहा है रिक्वेस्ट टू ऐड डेजिग्नेशन, और यहाँ पर लेक्चरर हम लिख देंगे और यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने मैसेज आएगा योर डेजिग्नेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसके बाद आपको आपका जो होम एड्रेस है उसका पिन कोड नंबर डालना होगा और इसके बाद सेव बटन पर क्लिक करना होगा। फिलहाल हमारे केस में डेजिग्नेशन सही नहीं आ रही है, डेजिग्नेशन हम बाद में अपडेट कर लेंगे। साथियों सेव बटन पर क्लिक करने के बाद में हमारी यहाँ जो डिटेल्स है वो सेव होकर आ गई है। डेजिग्नेशन हमने थोड़ी यहाँ पर गलत भरी थी, लेक्चरर होने के कारण हमारी जो डेजिग्नेशन थी वो यहाँ शो नहीं हो रही थी, इसलिए हमने रिक्वेस्ट करी थी और रिक्वेस्ट करने के बाद में जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ लिखी हुई आ रही थी लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड वो लिखी रह गई, हम इसे बाद में भी अपडेट कर पाएंगे। प्रोफाइल इन्फो हमने कंप्लीट कर ली है, अब यहाँ से हम होम पेज पर एक बार फिर से आकर देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल कितनी परसेंट कंप्लीट हुई है। तो अभी हमारी जो प्रोफाइल थी वो लगभग 18% शो हो रही थी, लेकिन अभी हम देखते हैं तो यहाँ हमारी प्रोफाइल 39% कंप्लीट दिखा रहा है। इसके बाद अगर आप बाकी बची हुई प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो फिर से अपडेट नाउ पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमने अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड नहीं करी थी, वो हम यहाँ से अपलोड करेंगे। प्रोफाइल फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में इस प्रकार से आपके फ़ोटो के बाहर ये डॉट्स दिखाई देंगे, इनकी मदद से आप अपनी फ़ोटो को रिसाइज करके इस बॉक्स में एडजस्ट करके अप्लाई बटन पर क्लिक कर दें, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद अगला काम होगा, वापस से आपको होम बटन पर आना है और आकर देखना है कि आपकी प्रोफाइल अब 39% ही है। इसके बाद अपडेट नाउ पर फिर से क्लिक करें। अब यहां से आपको अदर डिटेल्स को अपडेट करना होगा। साथियों हमने अपनी मैंडेटरी डिटेल्स प्रोफाइल में अपडेट कर दी थी, अब आगे हमें अपडेट करनी होगी अदर डिटेल्स को, तो यहां हम अदर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम बाकी डिटेल्स को भी कंप्लीट करेंगे। तो यहां से हम अदर लैंग्वेज जेज नॉन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पे आप कौन सी भाषा जानते हैं उसके बारे में आपको डालना है, तो आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं वो यहाँ पर आप लिख देंगे, कोमा लगाकर आप लिख सकते हैं। तो जो जो भाषाएं आप जानते हैं उनको आप कोमा लगा लगा कर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका जो टेलीफोन नंबर है वो डालना होगा, अगर आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप इसे मत डालिए। सेकेंडरी ईमेल आईडी आप यहां से अपडेट कर सकते हैं, तो चलिए हम अपना सेकेंडरी ईमेल आईडी भी डाल देते हैं। आपके पास सेकेंडरी ईमेल आईडी नहीं है तो आप मत डालिए, और अगर है तो आप ज़रूर डालें। इसके बाद आपको आपका पोस्टल एड्रेस डालना होगा, तो चलिए अपना पोस्टल एड्रेस लिख लेते हैं। पोस्टल एड्रेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट करनी होगी, तो चलिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट कर देते हैं। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट सर्विस में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो आपको डालनी होगी, या फिर कह सकते हैं आपकी प्रेजेंट जो पोस्ट है उसकी डिटेल डालनी होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग में। डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालने के बाद में आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी होगी, तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। मदर टंग आपकी जो है वो सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी मदर टंग है हिंदी, हम यहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करनी होगी, आप मैरिड है तो मैरिड करें, अदरवाइज सिंगल पर टिक करें, तो हम मैरिड करेंगे यहाँ पर। अब ऑर्गेनाइजेशन डिटेल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने जो रजिस्ट्रेशन के समय दिया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप यहाँ से अपडेट करना चाहते हैं तो आप
दोबारा से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी होगी, तो इंडस्ट्री में आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से है तो एजुकेशन सेलेक्ट करें। कंट्री आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इंडिया। इसके बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन डिटेल है उसके बारे में डिटेल डालनी होगी, तो यहाँ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में टिप्पणी लिख दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप अपना जो कमेंट डालेंगे उसके बाद नीचे आपको आपकी पेमेंट सेलेक्ट करनी होगी। फिलहाल आपके जो लेवल चल रहे हैं वो सेलेक्ट करना होगा, तो हम L12 में आते हैं इसलिए हम 12 सेलेक्ट करेंगे। सर्विस कैटेगरी में आप यहाँ पर कौन सी सर्विस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो आप स्टेट लेवल की हैं तो आप स्टेट लेवल सेलेक्ट करें। सर्विस कैटेगरी में हमारी अगर राजस्थान की सर्विस कैटेगरी यहाँ पर मिलती है तो हम इसे लिखेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। कैडर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि राजस्थान का यहाँ पर कोई भी कैडर शो नहीं हो रहा है इसलिए हम इसे भी ब्लैंक छोड़ेंगे। अलॉटमेंट ईयर ऑफ सर्विस, जब से आपकी सर्विस लगी है वो ईयर लिखेंगे हम। डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखेंगे, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप जो आपने पीछे सर्विस में ज्वाइनिंग लिखी थी वही यहाँ से हम सेलेक्ट करके लिख देंगे। सिविल लिस्ट नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू होता है इसलिए हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। एम्प्लॉई कोड भी हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि हमारा एम्प्लॉई कोड और RJ से शुरू होता है और यहाँ पर केवल न्यूमेरिक मांगता है, अगर आप ट्राई भी करेंगे तो नहीं ले पाएगा। इसके बाद में आपका ऑफिस का पोस्टल एड्रेस डालना होगा, तो चलिए आप अपना जो करंट ऑफिस है उसकी डिटेल डाल देंगे। इसके बाद में ऑफिस का पिन कोड नंबर डालेंगे। पिन कोड नंबर डालने के बाद में आपकी एकेडमिक डिटेल्स को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, तो स्कूल का नाम आप यहाँ पर डालेंगे, तो 10th की स्कूल डिटेल डालेंगे, ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे, 12th की डिटेल डालेंगे और ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। इसके बाद में ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे और ये सब डिटेल्स एंट्री करने के बाद आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। साथियों, इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को धीरे धीरे अपडेट करते जाएंगे और आपकी प्रोफाइल की जो स्टेटस है वो होम पेज पर आकर आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देखिए हमारी प्रोफाइल 80% अपडेट हो चुकी है और अभी 20% अपडेट होनी बाकी है। अगर आप इसे 100% करना चाहते हैं तो फिर से अपडेट नाउ पर क्लिक करें और इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर ये बटन आपको यहाँ पर शो नहीं होता है तो यहाँ पर राइट साइड में आपकी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ मिलेगा व्यू प्रोफाइल, इस पर क्लिक करके भी आप अपनी प्रोफाइल को फिर से अपडेट कर पाएंगे। तो साथियों, इस तरह से आप कर्मयोगी पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।